सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद में गैर कानूनी अदावतुनि खिलाफ कार्रवाई जो फैसलो कयो आहे। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी सदारत हेठि इजलास थियो। इजलास में हैदराबाद डिवीजन जे डायरेक्टर ऐं बेन शिरकत कई। इजलास दौरान ॻाल्हाईंदे अब्दुल रशीद सोलंगी चयो त हैदराबाद में महीने अंदरि 35 इमारतुनि खे सील कयो वियो आहे। हुन चयो त गैर कानूनी इमारतुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई में कोताही बर्दाश्त न कंदा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद में गैर कानूनी अदावतुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फैसलो कयो आहे। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी जी सदारत हेठि इजलास थियो आहे। इजलास में हैदराबाद डिवीजन जे डायरेक्टर ऐं बेन शिरकत कई। इजलास दौरान ॻाल्हाईंदे अब्दुल रशीद सोलंगी चयो त हैदराबाद में महीने अंदरि 35 इमारतुनि खे सील कयो वियो आहे। हुन चयो त गैर कानूनी इमारतुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई में कोताही बर्दाश्त न कंदा। अहम ख़बर खां नाज़रीन अव्हां खे अपडेट कयूं पिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद में गैर कानूनी अदावतुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो कयो आहे। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी जी सदारत हेठि इजलास थियो आहे। इजलास में हैदराबाद डिवीजन जे डायरेक्टर ऐं बेन शिरकत कई। इजलास दौरान ॻाल्हाईंदे अब्दुल रशीद सोलंगी जो चवणु आहे त हैदराबाद में महीने अंदरि 35 इमारतुनि खे सील कयो वियो आहे। हुन चयो त गैर कानूनी इमारतुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई में कोताही बर्दाश्त न कंदा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद में गैर कानूनी अदावतुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो कयो आहे। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी जी सदारत में इजलास थियो आहे। इजलास में हैदराबाद डिवीजन जे डायरेक्टर ऐं बेन शिरकत कई। इजलास दौरान ॻाल्हाईंदे अब्दुल रशीद सोलंगी चयो त हैदराबाद में महीने अंदरि 35 इमारतुनि खे सील कयो वियो आहे। हुन चयो त गैर कानूनी इमारतुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई में कोताही बर्दाश्त न कंदा। ही अहम ख़बर हिकु भेरो ॿीहर नाज़रीन नवाज़ सां शेयर कंदा हलूं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैदराबाद में गैर कानूनी अदावतुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो कयो आहे।